आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए फ्रेंड्स, लकड़ी के आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार की वक्र कटिंग दस्तियारी प्रयोग की जाती है। फ्रेंड्स, हम टूल से रिलेटेड जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं, हम पहले उन क्वेश्चंस को देखते हैं, और मैंने पिछली क्लासेज में जितने भी करवाए वो क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे थे। तो इसका आंसर कौन सा रहेगा आपका, मैं कंपास आ रही, की होल आ रही, या कोपिंग आ रही, या फ्रेंट आ रही, फ्रेट आ रही। ओके, तो आपका आंसर कौन सा रहेगा फ्रेंड्स, की होल आ रही का ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आना चाहिए कि जितने भी मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ये आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, और पूछने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना रहेगी, क्योंकि आपने अभी तक जितने भी पेपर्स देखे हैं वो पेपर आपके में निम्न से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट में बिल्कुल भी, मैं लैंग्वेज बिल्कुल भी चेंज नहीं होती, जैसा क्वेश्चन बना हुआ होता है वैसे के वैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में आ जाता है। ओके, तो आपका आंसर क्या रहेगा इसमें, की होल आरी होती है। मैं लकड़ी के आंतरिक कटिंग के लिए मैं किस प्रकार की वक्र कटिंग दस्तियारी का प्रयोग किया जाता है, की होल आरी का प्रयोग करते हैं। आप क्वेश्चन का आंसर ध्यान रखें। ओके, शीट मेटल कार्य के लिए उपयोग होने वाले स्टेक का क्या नाम है। जो फ्रेंड्स आपको इसका चित्र दे रखा है, हम उस चित्र को देखते हैं, और उसका मैं जो आंसर रहेगा वो आप दे दीजिएगा, मैं कमेंट बॉक्स में आप आंसर जरूर दें, क्योंकि फ्रेंड्स जब आप कमेंट बॉक्स में अगर आप आंसर दे देते हो तो आपको वो क्वेश्चन हमेशा के लिए याद हो जाता है। तो आइए देखते हैं, मैं शीट मेटल कार्य के लिए उपयोग होने वाले स्टेक का क्या नाम है। आपको जो स्टेक दे रखा है हम उसको देखते हैं। यहाँ पे आप चित्र देखिए फ्रेंड्स, ये जो स्टेक दे रखा है इसका क्या नाम है, ये कौन सा स्टेक रहेगा, स्क्वायर स्टेक रहेगा, या हेजर्ड स्टेक रहेगा, या ब्लोहॉर्न स्टेक रहेगा, या बेवल एज स्क्वायर स्टेक रहेगा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर दीजिए, यहाँ पे टिक गलत लगा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे आप जब कमेंट बॉक्स में अगर आप आंसर कर दोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इसका आंसर कौन सा रहेगा फ्रेंड्स, ब्लोहॉर्न स्टेक होता है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जितने भी हम नीचे तक हम चलेंगे ये सारे क्वेश्चंस रहने वाले हैं, ये ऑप्शन नंबर ए के रहने वाले, ऑप्शन नंबर बी के ये रहने वाले फ्रेंड्स, और ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी ये मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखें, औजार का क्या नाम है। आपको औजार दे रखा है फ्रेंड्स, और उस औजार का नाम हमें बताना है। तो आइए देखते हैं हमें कौन सा जो औजार दे रखा है। यहाँ पे देखिए, ये जो औजार दे रखा है फ्रेंड्स, ये औजार का नाम बताना है, मैं व्हाट इज़ द नेम ऑफ टूल। मैं कला हैमर है, टेक हैमर है, क्रॉस पिन हैमर है, या स्टेट पिन हैमर है। तो आपका आंसर क्या रहेगा, टेक हैमर, ये ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। ओके, और अब आपको फ्रेंड्स आपको क्या मतलब इतनी तैयारी करनी है कि आप एग्ज़ाम के अंदर अच्छे से अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकें। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा आंसर, टेक्स हैमर, आपका हथौड़ा दे रखा है। ओके फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन देखिए, और अगर आप अभी तक अपने नींद से नहीं उठे हो तो फ्रेंड्स आप उठ जाइए, क्योंकि आपको पेपर 100% पास करके ही आना है, क्योंकि आपको पता है मैं कितने फॉर्म भरे जाएंगे, और आपके लिए टेक्निकल हेल्पर जो ये वैकेंसी आई है फ्रेंड्स, ये लास्ट ऑप्शन है। आप अगर अब की बार या तो आग लगा दो या फिर जो भी आपकी मर्जी वो कर लो। ओके, तो आप देखिए, चेन ड्रिलिंग के बाद धातुओं को अलग करने के हेतु तो किस प्रकार की छेनी का प्रयोग किया जाता है। मैं चेन ड्रिलिंग के बाद धातुओं को अलग करने के लिए अलग करने हेतु तो किस प्रकार की छेनी का उपयोग करते हैं, मैं छेनी या छलनी। ओके फ्रेंड्स, चपटी छेनी, जालीदार छेनी, क्रॉस कट छेनी, या हीरा पॉइंट छेनी। तो आपका आंसर क्या रहेगा, क्रॉस में जालीदार छेनी का हम इसका उपयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स हम चेन ड्रिलिंग के बाद धातुओं को अलग करने के लिए, मैं धातुओं को हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, अलग करते हैं। अलग करने हैं तो किस प्रकार की छेनी का प्रयोग किया जाता है, मैं जालीदार छेनी का प्रयोग हम करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, किस प्रकार के स्टेक का उपयोग टेपिंग शंकु के आकार के लेखों को रिवेटिंग या सिमिंग करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए देखिए फ्रेंड्स, वर्गाकार स्टेक का, हेचेट स्टेक का, ब्लोहॉर्न स्टेक का, या बेवेल एज वर्गाकार स्टेक का उपयोग करते हैं। तो आपका आंसर कौन सा रहेगा, ब्लोहॉर्न स्टेक का हम उपयोग करते हैं। ओके, तो इसका आंसर क्या रहेगा, ब्लोहॉर्न स्टेक। मैं किस प्रकार की स्टेक का उपयोग करते हैं, हम ब्लोहॉर्न स्टेक का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लकड़ी में गांठ दोष का क्या कारण होता है। लकड़ी में जो फ्रेंड्स गांठ दोष हो जाता है वो किसके कारण होता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर देखिए, दोषपूर्ण भंडारण, असमान सिकुड़ना, या शाखाओं की वृद्धि, या गलत सीजनिंग। तो इसका ऑप्शन नंबर थ्री इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या रहेगा फ्रेंड्स आंसर होगा, मैं शाखाओं की वृद्धि। अगर आप देखते हो मैं लकड़ी में अलग अलग जो शाखाएं निकल जाती है फ्रेंड्स, और जब हम उन शाखाओं को जब काटते हैं तो वहाँ पे एक गांठ सा मैं गांठ बन जाती है, उस लकड़ी भी क्या बन जाता है फ्रेंड्स, एक गांठ बन जाती है। ओके, तो आपने ये देखा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 32 एम्पियर रेटेड केबल की धारा वहन क्षमता क्या होगी यदि इसे पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज सुरक्षित किया गया हो। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या रहेगा, 13 एम्पियर, 16 एम्पियर, 26 एम्पियर, या 39 एम्पियर। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर रहेगा, 26 एम्पियर। और आप फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस 32 एम्पियर रेटेड केबल
कि जो धारावाहिक क्षमता होती है, ये CITS का जो एग्जाम लगा था 2016 सितंबर 2020 में, ओके। तो ये क्वेश्चंस और ये SWG से रिलेटेड ये दोनों क्वेश्चंस ऐसे के ऐसे छप के आए थे, ओके। जैसे जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट हो रखे वैसे ही अपने एग्जाम में वो क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, 26 एम्पियर। आपको देखना है इस क्वेश्चन को, याद रखने की ट्रिक ये रहेगी फ्रेंड्स, 32 एम्पियर रेटेड केबल की धारावाहिक क्षमता क्या होगी यदि इसे पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज से सुरक्षित किया गया हो, तो उसकी रेटिंग क्या रहेगी फ्रेंड्स, 26 एम्पियर का हम वायर यूज करेंगे, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, SWG से तार का आकार मापने की प्रयास क्या होती है। तो फ्रेंड्स SWG की फुल फॉर्म में आपको याद रखनी होती है, मैं स्टैंडर्ड वायर गेज होती है, ओके। SWG की फुल फॉर्म क्या रहेगी, स्टैंडर्ड वायर गेज होता है। तो मापने की प्रयास जो उसकी रेंज होती है वो कहाँ से कितने तक रहती है, हम 0 से 36 SWG के वायर का हम उपयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स जो सबसे कम मान होता है, मतलब 0 या 1, वो कितना क्या मतलब उसकी मोटाई पे डिपेंड करेगा। जितना क्या मतलब मान अधिकतम होगा वो वायर उतना ही पतला होगा, और जितना क्या मतलब उसका मान कम होता है उस वायर की क्या मतलब जो व्यास होता है वो बढ़ता जाता है, ओके फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान रखना होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इस तार जोड़ का क्या नाम है, जो आपको जो जोड़ दे रखा है फ्रेंड्स उस जोड़ का आपको नाम बताना है। यहाँ पे आपने देखा SWG तार का आकार मापने की रेंज क्या होती है, आपको 0 से 36 SWG होती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, इस तार जोड़ का क्या नाम है, मैं एरियल टेप जोड़ है, नोटेड टेप जोड़ है, या डुप्लेक्स क्रॉस टेप जोड़ है, या डबल क्रॉस टेप जोड़ है, तो आप यहाँ पे आंसर देखिए फ्रेंड्स, जो आपको जो जोड़ दे रखा है उसको देखिए। यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड्स, आपको जोड़ दे रखा है, ये देखिए, ये आपको जोड़ दे रखा है। व्हाट इज द नेम ऑफ द वायर जॉइंट, जो आपको ये जॉइंट दे रखा है फ्रेंड्स इसका आपको नाम बताना है। तो ये जोड़ कौन सा दे रखा है, मैं नोटेड टेप जोड़ दे रखा है, आपको ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा इसका आंसर होगा, नोटेड टेप जॉइंट। इस तार का क्या नाम रहेगा फ्रेंड्स, इस तार जोड़ का क्या नाम बताया मैंने, नोटेड टेप जोड़ होता है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, गैल्वेनीकृत लोहे के किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए देखिए, रोजिन, जस्ता क्लोराइड, साल अमोनियम, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो ऑप्शन क्या रहेगा इसका आंसर क्या रहने वाला फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा इसका आंसर रहेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का हम उपयोग करते हैं। जो गैल्वेनीकृत लोहे की किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, मात्रा उत्पादन और टीनिंग कार्य है तो कौन सी सोल्डरिंग विधि का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखिए फ्रेंड्स, डीप सोल्डरिंग विधि का, ज्वाला के साथ सोल्डरिंग विधि का, या सोल्डरिंग आयरन के साथ सोल्डरिंग विधि का, या सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग विधि का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या रहने वाला, मात्रा उत्पादन और टीनिंग कार्य है तो कौन सी सोल्डरिंग विधि का उपयोग करते हैं, हम डीप सोल्डरिंग विधि का हम उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इस भूमिगत केबिल में एक्स से इंगित भाग का नाम बताइए, जो आपको ऑप्शन दे रखा है और आपको जो केबिल दे रखी है फ्रेंड्स उस केबिल को देख करके हमें आंसर देना है। तो यहाँ पे हम केबिल देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे जो आपको केबिल दे रखी है फ्रेंड्स, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ मार्क एज एक्स इन द अंडरग्राउंड यूजी केबल। यूजी केबल का मतलब फ्रेंड्स, यहाँ पे यूजी का मतलब आप ध्यान रखें अंडरग्राउंड दे रखा है, ओके। यूजी का मतलब क्या रहेगा, अंडरग्राउंड केबल। अब यहाँ पे जो एक्स से इंगित, ये एक्स जो हमें दर्शा रखा है फ्रेंड्स, ये एक्स से इंगित जो ये भाग है ये किसको दर्शा रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, ये बेंडिंग को दर्शा रहा है, ओके फ्रेंड्स, ये क्या रहेगा अपना बेंडिंग रहता है। मैं इस भूमिगत केबिल में हमने एक्स जो भाग हमें दिया हुआ था उसका नाम क्या रहेगा, बेंडिंग रहेगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, XLP का पूर्ण रूप क्या होता है फ्रेंड्स, जो XLP का पूर्ण रूप हमें पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए, क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन एक्सलेस पोले क्या था लाइन फेज अर्थिंग, या क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन। तो आपको पता है कि XLP की फुल फॉर्म आपको पूछी गई है, तो यहाँ पे आंसर क्या रहने वाला है, क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा फ्रेंड्स इसका आंसर होगा। आप यहाँ पे XLP की फुल फॉर्म जरूर याद रखें फ्रेंड्स, और इसका जो तापमान जो रेंज होती है फ्रेंड्स वो 140 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है, वो टेम्परेचर भी आप इसका याद रखें, ओके। तो आपको पता चला कि मैं क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन केबिल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भूमिगत केबिल में सर्विंग परत का क्या उपयोग होता है। जो फ्रेंड्स आपको जो भूमिगत अंडरग्राउंड केबिल के अंदर जो सर्विंग परत, जो क्या मतलब हम बेंडिंग करते हैं, आर्मरिंग करते हैं और सर्विंग करते हैं, उस सर्विंग परत का उपयोग आपको पूछा गया, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखिए इसका आंसर कौन सा रहने वाला। केबिल को नमी से बचाने का कार्य करती है, केबिल को यांत्रिक शक्ति से बचाने का कार्य करती है, धात्विक कवच को सरण से बचाने का कार्य करती है, आर्मरिंग को वायुमंडलीय स्थिति से बचाने के लिए उपयोग
हम करते हैं। तो आपका आंसर क्या रहने वाला, आर्मरिंग को वायुमंडलीय स्थिति से बचाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर रहने वाला है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, लूप टेस्ट में भूमिगत केबल किस प्रकार के दोष के स्थान को ज्ञात किया जा सकता है। ऑप्शन देख लिया फ्रेंड्स आपने, भू दोष, लघु परिपथ दोष, खुला परिपथ दोष या कमजोर कुचालक दोष हमें दे रखा है। ओके, ऑप्शन देख लीजिए फ्रेंड्स। अब हम चल रहे हैं इसका जो हमें लूप दे रखी है उस लूप को हम देख लेते हैं। हमें जो ये लूप दे रखी है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए गैल्वेनोमीटर यहाँ पे लगा रखा है, यहाँ पे पी क्यू और ये आर, और यहाँ पे जो रहने वाला फ्रेंड्स इसका क्या नाम दे देंगे हम, एस नाम दे देते हैं। ओके, विच टाइप ऑफ फॉल्ट, जो हमें फॉल्ट पता करने के लिए हम किसका प्रयोग करें, लूप टेस्ट विधि का हम उपयोग कर रहे हैं। ओके, तो इस विधि के अंदर हम कौन से टेस्ट का परीक्षण करते हैं, यह हमें पूछा जाता है और यह आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछा जाने लग गया। ओके, तो आप इस क्वेश्चन का जरूर ध्यान रखें। तो यहाँ पे आप किस दोष की जांच कर रहे हो, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट की, क्या याद करो फ्रेंड्स, आप शॉर्ट सर्किट फॉल्ट की आप जाँच कर रहे हो। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर रहने वाला है, ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा इसका आंसर होगा। ओके फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा कि हम किस दोष की जाँच कर रहे थे, हम लघु परिपथ दोष की हम जांच कर रहे थे। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, उत्पादन संयंत्रों में किस प्रकार की केबल बिछाने की विधि का उपयोग किया जाता है। जो फ्रेंड्स हम उत्पादन संयंत्रों में जो उत्पादन हम जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं फ्रेंड्स, उत्पादन संयंत्रों में किस प्रकार की केबल बिछाने का हम केबल बिछाने की विधि का उपयोग करते हैं, तो हवा में रेक का प्रयोग करते हैं। ओके फ्रेंड्स, जब आप कहने बोले जहाँ से उत्पादन हो रहा है फ्रेंड्स, वहाँ से आप जब डिस्ट्रीब्यूशन तक आप जब लेके आते हो ट्रांसमिशन लाइन के द्वारा, तो वो कौन सी रहती है, हवा में रेक रहती है। ओके फ्रेंड्स, डक्ट में, भवन के साथ या सीधे ज़मीन में, हम अंडरग्राउंड केबल का हम यूज नहीं करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आपको पता है कि हवा में रेक होते हैं। ओके फ्रेंड्स, मैं कह रहा हूँ जो हाई टेंशन जो लाइन होती है वो हवा में रहती है। ओके, तो इसका क्या नाम दिया गया, हवा में रेक होता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, तांबे के परमाणु के आबंध चक्कर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको जो तांबे के बारे में आपको पूछा गया, तांबे का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 29 होता है। अब आप जब इनको कक्षाओं में जब आप बांटते हो तो 2, 8, 18 के रूप में आप इसको बांटते हो, तो आपको पता है कि जो आपको कितने चक्कर में तांबे के परमाणु के आबंध चक्कर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको जो अंतिम कक्षा रहेगी, आबंध चक्कर का मतलब क्या रहने वाला फ्रेंड्स, यहाँ पे अंतिम कक्षा के लिए आपको पूछा गया, मैं 2, 8, 18 और एक जो इलेक्ट्रॉन बचा जो कौन सी कक्षा में रहेगा, अंतिम कक्षा में। तो अंतिम कक्षा में कौन कितना इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन रहता है। ओके फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके, तो हम इसको किस में कैसे बढ़ते हैं, 2n² के द्वारा बढ़ते हैं, KLmn ये आपको पता है। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूल लैम्प में विद्युत धारा का प्रभाव क्या कहलाता है। जो न्यूल लैम्प के अंदर जो विद्युत धारा का जो प्रभाव होता है फ्रेंड्स, वो कौन सा प्रभाव होता है, ये हमें ध्यान रखना होता है। ओके, तो यहाँ पे उष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव या गैस आयनीकरण प्रभाव। ओके, तो जो न्यूल लैम्प होता है, न्यूल लैम्प में जो विद्युत धारा का हम जो प्रभाव क्या मतलब, उसमें जब हम विद्युत धारा दे देते हैं तो उसके अंदर कौन सा प्रभाव उत्पन्न होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर रहेगा, गैस आयनीकरण प्रभाव होता है। जो न्यूल लैम्प होता है फ्रेंड्स, ये आप क्वेश्चंस को हमेशा याद रखें, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, मैं गैस आयनीकरण प्रभाव होता है। न्यूल लैम्प पे कौन सा प्रभाव होता है फ्रेंड्स, गैस आयनीकरण प्रभाव। एक क्वेश्चन को आप दो बार पढ़ लोगे तो फ्रेंड्स आप कभी क्वेश्चन को भूलोगे ही नहीं। ओके, ये मेरी गारंटी है। कुचालक प्रतिरोध की इकाई क्या है, जो आपको कुचालक प्रतिरोध की इकाई है आपको ध्यान रखनी होती है फ्रेंड्स, जो हम ओम में लेते हैं, किलो में लेते हैं, मिलियों में या मेगा ओम में। तो आपको पता है हम जब इंसुलेशन को जब हम माप रहे होते हैं, मेगर की सहायता से मापते हैं, और उसको हम किस में लेते हैं, मेगा ओम में लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, उसकी इकाई क्या लेते हैं, हम मेगा ओम में लेते हैं, ये आपको पता है। अब देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, कौन सा विद्युत उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा संरक्षण है। अधिक धारा संरक्षण के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, जो आपको पता है कि मतलब जो आपके मतलब आपके घरों में देखते होंगे जो 5 HP या 10 HP की जो मोटर है आप यूज करते हो, और उन मोटर को चलाने से पहले आप क्या करते हो, एक स्टार्टर लगा के रखते हो। ओके, और जहाँ से आपके L1, L2, L3 जो लाइन आ रही होती है फ्रेंड्स, आप जब मोटर को RYB फेज के साथ में आप कनेक्ट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे आप क्या लगाते हो, एक फ्यूज, मैं किटकैट फ्यूज आप यूज करते हैं। ओके, किटआउट जो हम उसको सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, हम किटआउट बोलते हैं, और वो किसके बने हुए होते हैं, पोर्सलिन के बने हुए होते हैं, और उनमें हम क्या यूज करते हैं, हम तार का यूज करते हैं। जो वो तार किसका लेते हैं, हम कॉपर का तार हम यूज करते हैं। तो आपको पता चला कि वहाँ पे हम जब क्या मतलब वो मोटर क्या, तो 12 HP से मैं 15 HP तक की जब अगर मोटर होती है तो कितने एम्पियर तक की धारा ले सकते हैं, मैं 5, 10, 15 जितनी भी 20 एम्पियर तक की हम धारा देखते हैं उसमें 15 से 20 एम्पियर तक की धारा वो लेती है। ओके, तो पुनः तार बांध रही होगी, फ्यूज का हम उपयोग करते हैं। मैं कौन सा विद्युत उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा संरक्षण है तो उपयोग करते हैं, हम पुनः तार बांध रही होगी, फ्यूज का हम उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर रहने वाला है। ओके फ्रेंड्स, तो आपको क्लास कैसी लगी, और आप अपने AMR लाइव क्लास IIT चैनल की टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और उस चैनल को क्या इतना शेयर करें फ्रेंड्स, और उस चैनल में आप क्या मतलब
उसमें मैसेज कर भी सकते हो और उसमें क्या नाम आप क्वेश्चंस भी आपस में पूछ सकते हो। ओके, तो मैं उसके अंदर क्या नाम और टेलीग्राम चैनल में और सुधार करने वाला हूँ। और अभी तक आपने अपने AMR लाइव क्लास IT चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपने देखा कि आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं अब तक अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं है, तो अगली किस क्लास में आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को देखें और मैं उनका सॉल्यूशन आपको कहाँ पे करवाने वाला हूँ, क्लास लेकर के बोर्ड पे करवाएंगे। ओके, तो आप अभी तक AMR लाइव क्लास IT चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ओके, और क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक जरूर करें। ओके, थैंक यू।